अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक से होंगे। अच्छा, अब हम आज एआई एंड डेटा साइंस के दूसरे लेक्चर में आपको मैं खुशामदीद कहता हूँ। आज की क्लास में हम कुछ प्रैक्टिकल वर्क देखेंगे और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम एआई और डेटा साइंस के अंदर, अगर हम प्रैक्टिकली कुछ प्रोग्रामिंग या हम उसके अंदर कुछ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की तरफ, एप्लीकेशन डेवलपमेंट की तरफ, एआई मॉडल ट्रेनिंग्स की तरफ आना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं और कौन कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि हमें आनी चाहिए, कौन कौन से टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज हैं जिनका हमारे लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम एआई के अंदर और डाटा साइंस के अंदर एक्सटेंसिवली काम करना चाहते हैं। लास्ट क्लास में हमने एआई की डेफिनेशंस, AI के यूज़ केसेस और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस किया था। आज की क्लास में प्रैक्टिकल वर्क की तरफ जाने से पहले हम डाटा साइंस, व्हाट इज़ डाटा साइंस, उसकी डेफिनेशन और उसकी एक दो एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। अब लास्ट क्लास में आप लोगों को याद होगा कि हमने ये देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसी मशीन्स जो कि इंसान की तरह थिंक कर सकें, सोच सकें, उन्हें हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कह सकते हैं। डाटा साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है। डाटा साइंस एक प्रोसेस है जिसके थ्रू हम वो तमाम डाटा कलेक्ट करते हैं, गैदर करते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, फिल्टर आउट करते हैं, जो डाटा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लर्निंग के लिए, उसको सिखाने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो डाटा साइंस को यूज़ करते हुए हम वो तमाम डाटा डिफरेंट सोर्सेज से कलेक्ट करते हैं, देन फिर उसे इस तरह से प्रोसेस करते हैं कि वो डाटा इस काबिल हो जाए कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डाटा के थ्रू मैक्सिमम लर्न कर सके। जब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा के थ्रू मैक्सिमम लर्न कर लेगा, वो उस डाटा से सीख लेगा, तो फिर वो इस काबिल हो जाएगा कि उस डाटा को सीख कर वो आगे रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के अंदर परफॉर्म कर सकेगा। तो ये होती है डाटा साइंस। तो डाटा साइंस एक तरह की फील्ड है, एक सब फील्ड है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, जिसके थ्रू हम वो तमाम तर डाटा की रिक्वायरमेंट्स पूरी करते हैं जो डाटा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिखाने के लिए ज़रूरी होता है। तो ये तो डाटा साइंस की एक डेफिनेशन आपको बता दी। इसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसे कि रिकमेंडेशन सिस्टम्स आप लोग देखते होंगे कि डिफरेंट वेबसाइट्स पे, जैसे नेटफ्लिक्स एक बहुत ही एक बड़ी वेबसाइट है मूवी के लिहाज से, तो आप उस पर देखते होंगे कि जैसे ही आप नेटफ्लिक्स पे कोई भी मूवी सर्च करते हैं या कोई भी मूवी आप नेटफ्लिक्स पे देखते हैं, तो आपको उस मूवी से रिलेटेड कुछ रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। यूट्यूब पे भी आपने डिफरेंट रिकमेंडेशंस देखी होंगी कि यूट्यूब के ऊपर भी आपको किसी एक वीडियो से रिलेटेड या आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड डिफरेंट रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं। तो ये सारे रिकमेंडेशन सिस्टम डाटा साइंस की एप्लीकेशंस ही हैं। इनके बैकएंड पे डाटा साइंस के एल्गोरिदम्स, एआई एल्गोरिदम्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और वो एआई एल्गोरिदम्स वो आपके उसी डाटा को, प्रीवियस डाटा को, कि आपने प्रीवियसली चंद दिन पहले कौन कौन सी वीडियोस और कौन कौन से लिंक को सर्च किया था, कौन कौन सी चीज़ें आपने इंटरनेट पर देखी थी, कौन कौन सी चीज़ों को आपने विजिट किया था, तो उन्हीं हिस्ट्री की बेस पे, उन तमाम लिंक्स की बेस पर आपको नई वीडियोस की रिकमेंडेशंस दी जा रही होती हैं। तो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज एप्लीकेशन ऑफ डाटा साइंस। अच्छा, अब हम कुछ टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले तो हम एआई एंड डाटा साइंस के अंदर जो भी काम करेंगे, हमने सबसे पहले डाटा को कलेक्ट करना है, प्री प्रोसेस करना है, फिल्टर आउट करना है इस फॉर्म में कि डाटा इस काबिल हो जाए कि हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डाटा से मैक्सिमम सीख सके, उससे लर्न कर सके। तो उस डाटा की प्री प्रोसेसिंग के लिए, गैदरिंग के लिए और कंप्यूटर के अंदर उस डाटा को फिल्टर आउट करने के लिए हमें किसी ना किसी टूल एंड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, ठीक है। इसी तरह से जब हमने डाटा को फिल्टर आउट कर लिया, तो फिल्टर आउट करने के बाद हमें एक टूल की ज़रूरत होगी, एक टेक्नोलॉजी की ज़रूरत होगी, जिसको यूज़ करते हुए हम उस तमाम डाटा को एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पुट कर सकें। जब वो तमाम डाटा एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर पुट हो जाएगा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उस डाटा से मैक्सिमम सीख लेगा, ज़्यादा से ज़्यादा उससे अपनी लर्निंग को इनहेंस कर लेगा, फिर उसके बाद वो इस काबिल हो जाएगा कि वो एक
रियल वर्ल्ड एनवायरनमेंट में परफॉर्म कर सकते हैं। तो अब चाहे डाटा की गैदरिंग हो, डाटा की प्रोसेसिंग हो, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिजाइनिंग हो, इन दोनों कामों के लिए हम डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ऐसी लैंग्वेजेस होती हैं जो कि कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस डिफरेंट कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। C++, C#, जावा, पाइथन, रूबी ऑन रेल्स, ये डिफरेंट तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो कि डिफरेंट कामों में इस्तेमाल हो रही होती हैं। यहाँ पर हम AI एंड डेटा साइंस के कोर्स में जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिस्कस करेंगे वो है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही हम डेटा साइंस का काम करेंगे, डेटा को फिल्टर आउट करेंगे, प्री प्रोसेस करेंगे, और फिर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और उसकी डिफरेंट लाइब्रेरीज और फ्रेमवर्क्स को यूज़ करते हुए हम AI के मॉडल्स डेवलप करेंगे और उस AI को लर्न करवाएंगे अपने डाटा से, ताकि वो AI किसी भी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में परफॉर्म कर सके। तो अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हमें 3 से 4 तरह की चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के जो इनोवेटर्स हैं, उनको जो बनाने वाले हैं, वो एक साहब हैं गुडो वान रूसम। उन्होंने ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सबसे पहले इन्वेंट की थी। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक इंसानों की बनाई हुई लैंग्वेज है और कंप्यूटर को ये समझ नहीं आ सकती, बिकॉज कंप्यूटर की जो नेटिव लैंग्वेज है वो है 0101 लैंग्वेज, यानी जिसे हम बाइनरी लैंग्वेज भी कहते हैं। तो कोई भी लैंग्वेज, कोई भी हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को इसलिए नहीं समझ आ सकती है बिकॉज कंप्यूटर सिर्फ एक ही लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज, जिसे हम 0-1 की लैंग्वेज कहते हैं। और जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये तमाम तर हाई लेवल लैंग्वेजेस हैं, ये इंसानों ने बनाई हैं, लिहाजा इंसान इसे ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं, कंप्यूटर अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। तो इस केस में जब हमने कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाते हैं तो उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू कंप्यूटर से बातचीत करने के लिए हमें एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत होती है। हमारे पास एक ट्रांसलेटर होगा, हम उस ट्रांसलेटर को अपनी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक प्रोग्राम और एक इंस्ट्रक्शंस लिखकर उस ट्रांसलेटर को देंगे। वो ट्रांसलेटर हमारी उस इंस्ट्रक्शन को कंपाइल करेगा, उसे इंटरप्रेट करेगा, और इंटरप्रेट करके उसे बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर देगा। वो बाइनरी लैंग्वेज में ट्रांसलेटेड कोड, वो बाइट कोड कंप्यूटर के पास जाएगा और कंप्यूटर उस बाइट कोड को अंडरस्टैंड कर लेगा। जब अंडरस्टैंड कर लेगा तो कंप्यूटर हमारी बात को समझ जाएगा और जिस तरह का हम उसे इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं वो उस तरह का काम हमारा कर देगा। तो इस तरह से तमाम तर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को यूज़ किया जाता है कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए, कि दरमियान में एक ट्रांसलेटर होता है। हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम करते हैं, हाई लेवल कोड लिखते हैं, वो ट्रांसलेटर हमारे हाई लेवल कोड को लो लेवल कोड में ट्रांसलेट करता है और उस लो लेवल कोड को कंप्यूटर अंडरस्टैंड करके हमारा वो काम कर देता है। तो यहाँ पर हम जो ट्रांसलेटर इस्तेमाल करेंगे, दैट इज़ द पाइथन। तो पाइथन के लिए जो ट्रांसलेटर है या जो इंटरप्रेटर है, जो कि पाइथन की लैंग्वेज को, उसके इंस्ट्रक्शंस को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करता है, लो कोड में, बाइट कोड के अंदर, या कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करता है, या उस लैंग्वेज में जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड कर सकता है उसमें ट्रांसलेट करता है, उसका नाम भी पाइथन ही है। तो पाइथन एक ऐसा ट्रांसलेटर जो हम इस कोर्स के अंदर यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम उसे डाउनलोड करेंगे, फिर इंस्टॉल करेंगे अपने सिस्टम में, और फिर अपने कोड के साथ उसे अटैच करेंगे। जैसे ही हम कोड लिखें वैसे ही वो ट्रांसलेटर अपना वर्किंग शुरू कर दे और हमारे कोड को, सोर्स कोड को ट्रांसलेट करके ऑब्जेक्ट कोड में कंप्यूटर को बता दे कि इस इंस्ट्रक्शन में क्या कहा गया है या इस प्रोग्राम में क्या कहा गया। तो उसके लिए जो हम ट्रांसलेटर यूज़ कर रहे हैं उसका नाम भी पाइथन ही है। पाइथन एक लैंग्वेज भी है, लेकिन यहाँ पर पाइथन एक इंटरप्रेटर भी है जो कि हमारी हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर रहा है। दूसरी एक चीज़ के हमने पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख ली। अब पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने के बाद हमें पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज़ करते हुए किसी ना किसी जगह कोड लिखना है, अपना जो सोर्स कोड है वो लिखना है, ताकि वो सोर्स कोड कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो और फिर कंप्यूटर से अंडरस्टैंड कर ले। अब वो सोर्स कोड लिखने के लिए हमें एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है। हम उस सोर्स कोड को कहाँ लिखें? क्या हम गूगल की सर्च बार में उस सोर्स कोड को लिखें, या हम विंडो के नीचे एक
सर्च बार आ रही होती है वहां पर उस सोर्स कोड को लिखें, या हम किसी नोटपैड फाइल में उस सोर्स कोड को लिखें, या हम एक वर्ड फाइल में लिखें, ये क्वेश्चन अराइज होता है कि हम उस सोर्स कोड को कहाँ लिखें, पाइथन के कोड को, अपने पाइथन के प्रोग्राम को, इंस्ट्रक्शंस को कहाँ लिखें, ताकि हमारा जो पाइथन का इंटरप्रेटर है वो उसको कैच करके, उसको अंडरस्टैंड करके, उसको ट्रांसलेट करके आगे कंप्यूटर को समझा सके। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं जिनको हम IDEs कहते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये डिफरेंट तरह के होते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो कोड एक बड़ा ही पॉपुलर IDE है, इसके थ्रू हम कोड लिखते हैं और वो कोड ट्रांसलेट हो जाता है कंप्यूटर की लैंग्वेज में। इसी तरह VS कोड भी है, इसी तरह डिफरेंट लैंग्वेजेस के लिए डिफरेंट तरह के हमारे पास IDEs, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर हम जिस इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की बात करेंगे वो है PyCharm। PyCharm एक IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसको हम यूज करते अपने कोड को लिख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, उसको डीबग कर सकते हैं, उसमें कोई एरर्स को ढूंढ सकते हैं और अपने कोड को सेव भी कर सकते हैं। और PyCharm को यूज करते हुए हम अपने इंटरप्रेटर को, जो हमारा इंटरप्रेटर है, उसको हम अपने इस आईडी के साथ अटैच भी कर सकते हैं, ताकि जैसे ही हम पाइथन का कोड लिखें तो हमारा इंटरप्रेटर इजीली उस कोड को ट्रांसलेट कर ले और ट्रांसलेट करके कंप्यूटर की लैंग्वेज में उसे कन्वर्ट कर दे, ताकि कंप्यूटर हमारे इंस्ट्रक्शन को समझ सके और जो हम काम उससे करवाना चाहते हैं कंप्यूटर हमारा वो काम कर दे। तो दो चीजें अभी तक हमने देख ली, एक तो हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर होगा, दूसरा हमारा IDE होगा जो कि हमारा PyCharm होगा, जिसके अंदर हम कोड लिखेंगे, कोड को एडिट करेंगे, डिलीट करेंगे, सेव करेंगे, ये सारे के सारे ऑप्शंस हम कोड के साथ परफॉर्म करेंगे। अब इसके साथ एक तीसरी चीज है, दैट इज एनाकोंडा। एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। अब सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन क्या होता है? जैसे आपने MS Office का नाम सुना होगा, MS Office एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है। तो कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन होने का मतलब कि MS Office के अंदर आपको तमाम तर चीजें मिलेंगी जो कि एक ऑफिस के एनवायरनमेंट में, वो तमाम सॉफ्टवेयर्स जो कि ऑफिस के एनवायरनमेंट में यूज होते हैं, वो तमाम आपको एक पूरे के पूरे पैकेज में मिल रहे होते हैं, दैट इज MS Office। आपको वर्ड, MS Word मिल रहा है, आपको एक्सेल मिल रहा है, आपको पावर पॉइंट मिल रहा है, आपको एक्सेस मिल रहा है। ये तमाम तर छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि ऑफिस के डिफरेंट काम करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, ऑफिस में बिजनेस कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है, ऑफिस की डेटाबेस को मेंटेन करने के लिए। तो ये सारे ऑफिस के जो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, उन तमाम सॉफ्टवेयर्स को इकट्ठा करके एक पैकेज बना दिया गया है जिसका नाम है MS Office। तो MS Office एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जो कि ऑफिस के तमाम तर काम करने के लिए हमें डिफरेंट तरह के छोटे छोटे सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करता है। इसी तरह से एनाकोंडा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है और एक कंप्लीट डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स की, जिसके अंदर हमें डाटा साइंस, AI और पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड जितने भी काम हैं वो सारे के सारे करने के लिए एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। एनाकोंडा के अंदर हमें AI एंड डाटा साइंस की तमाम तर लाइब्रेरीज भी मिल जाती हैं, इसके फ्रेमवर्क्स भी मिल जाते हैं, हमें IDEs भी मिल जाते हैं, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट्स भी, इवन के हमें इंटरप्रेटर्स भी मिल जाते हैं। तो एनाकोंडा को भी हम देखेंगे कि कैसे उसे इंस्टॉल करना है। अभी तक हमने जो दो चीज़ों की बात की, PyCharm और IDE, जो हमारा IDE है PyCharm, और दूसरी चीज़ जो हमारा पाइथन इंटरप्रेटर है, ये भी हमें एनाकोंडा में मिल जाते हैं। अगर हम एनाकोंडा इंस्टॉल कर लें तो एनाकोंडा के अंदर हमें पाइथन का इंटरप्रेटर भी मिल जाता है जो कि पाइथन को ट्रांसलेट करता है, और PyCharm जो कि IDE है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, वो भी हमें एनाकोंडा के अंदर मिल जाता है। तो एनाकोंडा एक कम्प्लीट सॉफ्टवेयर सोल्यूशन है और ये आगे जाके बहुत जगहों पर इस्तेमाल होता है, तो इसको भी हम देखेंगे किस तरह से इंस्टॉल करना है। अभी फिलहाल के लिए कुछ क्लासेस तक हम एनाकोंडा का यूज नहीं सीखेंगे, हम PyCharm और पाइथन के थ्रू काम करेंगे, लेकिन आगे जाकर जब हमने कुछ वर्चुअल एनवायरनमेंट्स बनाने होंगे तो वहां जाकर हम एनाकोंडा का यूज भी देखेंगे और एनाकोंडा को भी अपने IDE के साथ यूज कर रहे होंगे। तो यहाँ तो तक तो थी हमारी टेक्निकल डिस्कशन, जिसमें हमने डाटा साइंस की डेफिनेशन, उसकी एप्लीकेशन और कुछ टेक्निकल टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज को डिस्कस कर लिया जो कि AI और डाटा साइंस की फील्ड में इस्तेमाल होते हैं। अब हम चलते हैं ज़रा स्लाइड्स पे
और देखते हैं कि सबसे पहले हम वन बाय वन क्या क्या इंस्टॉल करेंगे। तो स्लाइड्स में जैसे आपको नजर आ रहा है कि सबसे पहले हमने एनाकोंडा इंस्टॉल करना है। तो एनाकोंडा में क्या है, जिस तरह भी आपको मैं बता चुका हूँ, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द पाइथन एंड आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एक तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है जिसके अंदर हमें पाइथन और आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से रिलेटेड बहुत सारी फंक्शनैलिटीज, फ्रेमवर्क, लाइब्रेरीज और आईडीज मिल जाते हैं। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि डाटा साइंस की फील्ड में इस्तेमाल होती है, लेकिन हम यहाँ पर पाइथन इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि पाइथन में डाटा साइंस और एआई दोनों का काम हो सकता है। आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम डाटा साइंस का काम तो कर सकते हैं, लेकिन एआई का काम आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इतनी ज़्यादा एक्सटेंसिवली नहीं हो सकता। लिहाजा हम एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर फोकस करते हैं जिसको सीख कर, जिसकी एक्सपर्टीज गेन कर कर हम एक डाटा साइंस साइंटिस्ट भी बन सकते हैं और हम एक एआई इंजीनियर भी बन सकते हैं। तो इसलिए हम पाइथन लैंग्वेज पे इस कोर्स में हमारा फोकस होगा, ठीक है। तो मैं आगे जाने से पहले सबसे पहले आपको एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन के बारे में बता देता हूँ। तो एनाकोंडा की इंस्टॉलेशन कुछ इस तरह से है कि मैं सबसे पहले यहाँ पर गूगल में जाऊँगा और गूगल में जाकर मैंने यहाँ पर एनाकोंडा इस तरह से टाइप करना है। तो जैसे ही मैं एनाकोंडा टाइप करूंगा तो मेरे पास आप देख रहे हैं कि फर्स्ट लिंक आएगा यहाँ पर, एनाकोंडा द ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर एआई। तो मैं इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करूंगा। आप लोगों ने ये मेक श्योर करना है कि आपकी ऑफिशियल वेबसाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पर जाकर मैं एनाकोंडा के इस लिंक पर क्लिक कर दूंगा। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले मुझे अपना एक अकाउंट, गूगल अकाउंट यहाँ पर अटैच करना पड़ेगा इसको डाउनलोड करने के लिए। तो मैं यहाँ से साइन इन पे क्लिक करता हूँ और साइन इन पे क्लिक करने के बाद मेरा जो भी गूगल अकाउंट इस जीमेल के साथ अटैच है तो मैं उसी को, उस गूगल अकाउंट को यहाँ से अटैच करके साइन इन कर लेता हूँ। एंड देन आफ्टर साइनिंग इन मैं क्या करूँगा, एनाकोंडा का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगी उसको, उसका विंडो वर्जन जो कि विंडो में इंस्टॉल होता है उसको मैं यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। जी, तो मेरे पास यहाँ पर डिफरेंट तरह के ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक है। और इसमें से ये वाला ऑप्शन है, दैट इज एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, और यहाँ पर ये एक ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले मैं इस पर क्लिक करूँगा इंस्टॉल डिस्ट्रीब्यूशन पे। तो जैसे ही मैं इंस्टॉल डिस्ट्रीब्यूशन पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन के पेज पर ले जाएगा। और यहाँ पर मैंने क्या करना है, सबसे पहले एक ईमेल आईडी अपनी यहाँ पर लिख देनी है, जिस भी ईमेल आईडी के थ्रू मैंने रजिस्टर होना है यहाँ पर। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिख देता हूँ। मैंने यहाँ पर एक ईमेल आईडी लिख दी, जो भी ईमेल आईडी आप लिखना चाहते हैं। तो उसके बाद आई एग्री पे क्लिक कर देंगे एंड देन सबमिट पे क्लिक कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि एनाकोंडा के प्लेटफॉर्म पे हमारी सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन हो जाएगी। देन फिर हमारे पास एक डाउनलोड नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। इसमें ये विंडो वर्जन है, इस पर हमने क्लिक करना है। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो एनाकोंडा का सॉफ्टवेयर हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास एनाकोंडा डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। एनाकोंडा थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है और इसकी मेमोरी भी थोड़ी ज़्यादा होती है। जब इंस्टॉल होता है तो कम से कम आपको 5 GB स्पेस रिक्वायर्ड होती है आपकी डिस्क पे। तो इसलिए आपकी इंटरनेट की स्पीड के अकॉर्डिंग, जितनी आपकी इंटरनेट की स्पीड है उसके अकॉर्डिंग ये इंस्टॉल होगा और उसके अकॉर्डिंग ये डाउनलोड होगा। अगर आपकी इंटरनेट की स्पीड स्लो है तो उतना ही टाइम इससे ज़्यादा लगेगा डाउनलोड होने में, इंस्टॉल होने में। अगर आपका इंटरनेट अच्छा यूज़ कर रहे हैं आप या उसकी स्पीड तेज़ है तो फिर उतने ही कम टाइम में ये आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। तो मेरे पास क्योंकि ये पहले से डाउनलोडेड है तो मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा। और जब भी आपके पास ये डाउनलोड हो जाएगा तो उसके बाद इसका कुछ आइकन इस तरह से आएगा जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास डेस्कटॉप में सॉफ्टवेयर्स का एक फोल्डर है, तो इसके अंदर हमारे पास सारे के सारे सॉफ्टवेयर्स मैंने पहले से डाउनलोड करके रखे हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मेरे पास एक एनाकोंडा का आइकन है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रीन कलर का एक एनाकोंडा का आइकन आ रहा है। तो ये इस तरह का सॉफ्टवेयर्स होता है, इस तरह का इसका एक सेटअप फाइल होती है, एक्सी फाइल। देन फिर हम चलते हैं आगे, एनाकोंडा हमने डाउनलोड कर लिया, देन फिर हम चलते हैं पाईचार्म किस तरह से डाउनलोड करते हैं इस चीज़ पे। तो उसके लिए भी मैं सबसे पहले गूगल पे जाता हूँ और गूगल पे जाके मैं यहाँ पर एक न्यू टैब के अंदर डाउनलोड पाईचार्म लिखता हूँ।
तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ डाउनलोड पाइचाम। तो जैसे ही मैंने डाउनलोड पाइचाम लिखा, एंटर किया, तो मेरे पास ये फर्स्ट लिंक ओपन होगा। ये इसी फर्स्ट लिंक को मैंने क्लिक करना है, और जैसे इस फर्स्ट लिंक को मैं क्लिक करूँगा तो आप देखेंगे ये मुझे पाइचाम की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले गया। और यहाँ पर मुझे ये डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स लिंक्स के साथ बता रहा है कि आप कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास पाइचाम प्रोफेशनल का एक वर्जन आ रहा है। तो ये बात याद रखने वाली है यहाँ पर कि आपने इस प्रोफेशनल को डाउनलोड नहीं करना। ये प्रोफेशनल एक पेड वर्जन है और इसके लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अगर आप इनिशियली काम कर रहे हैं पाइथन में, तो आप अगर बिगिनर्स हैं तो आपको, और आप लाइसेंस नहीं ले सकते, तो आई वुड रिकमेंड कि आप प्रोफेशनल यूज़ ना करें। तो प्रोफेशनल से हटके आपका एक ये कम्युनिटी वर्जन भी आपको ये पाइचाम वाले दे रहे हैं, तो आप इस कम्युनिटी वर्जन को इंस्टॉल कर लें। ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है और बिगिनर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं और प्रोफेशनल डेवलपर्स भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो बजाय इसके कि आप प्रोफेशनल वर्जन लें और आप लाइसेंस परचेज ना कर सकें और इसकी पेमेंट ना कर सकें और बाद में प्रोफेशनल वर्जन आपका चल ना सके, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल पर कम्युनिटी वर्जन को यूज़ करें। तो पाइचाम कम्युनिटी, अगर आप थोड़ा सा ही ड्रैग करके नीचे आएंगे तो यहाँ पर आ रहा है, और इसमें सिर्फ आपने डाउनलोड के बटन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप डाउनलोड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपका ये पाइचाम कम्युनिटी भी डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया। तो ये आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर ये डाउनलोड हो रहा है। अगेन ये भी अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, जितना ज़्यादा आपकी अच्छी स्पीड होगी उतना ये जल्दी डाउनलोड हो जाएगा। और ये एक लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, इसको डाउनलोड होने में इतना सारा टाइम नहीं लगता। तो मैं अभी फिलहाल इसको भी स्टॉप करता हूँ, बिकॉज मेरे पास ये भी ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो इसका भी आइकन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से आपको नजर आता है। दैट इज पाइचाम कम्युनिटी 2024, आपका लेटेस्ट वर्जन है ये जो मैंने यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है। तो ये इस तरह का कुछ आइकन आपके सामने नजर आएगा, PC लिखा होगा इस पे और पाइचाम कम्युनिटी इसका नाम होगा। अच्छा, उसके बाद हम चलते हैं अपनी तीसरी चीज़ पे, दैट इज पाइथन इंटरप्रेटर। तो पाइथन इंटरप्रेटर को डाउनलोड करने के लिए हम सेम दोबारा गूगल पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर लिखेंगे डाउनलोड पाइथन। तो जैसे ही मैं टाइप करूँगा डाउनलोड पाइथन और एंटर करूँगा तो मेरे पास फर्स्ट लिंक ही ओपन होगा। इस फर्स्ट लिंक पे मैंने क्लिक करना है। तो इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते साथ ही मेरे पास पाइथन की ओरिजिनल जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। और इसमें पहले पेज पर एक लिंक आ रहा है, दैट इज डाउनलोड पाइथन 3.12। तो जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये मेरा पाइथन का इंटरप्रेटर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और ये बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है। अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ द इंटरनेट, आपकी जितनी स्पीड होगी उतना जल्दी ये डाउनलोड हो जाएगा। तो मैंने ये पहले से डाउनलोड किया हुआ है तो मैं इसको भी डाउनलोड नहीं करूँगा, और मैं आपको एक दफ़ा दिखा देता हूँ कि ये आपके सामने डाउनलोड होने के बाद किस तरह से इसका सेटअप आता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इस तरह से एक कंप्यूटर बनाया और उसके साथ कुछ पाइथन के लोगोस बने हैं। तो इस तरह का ये इसका एक सेटअप आ रहा होता है, एक्सी फाइल इसकी होती है जिसके थ्रू हम इसे डाउनलोड करते हैं। तो ये तीन चीज़ें थी जो कि हमें डाउनलोड करनी ज़रूरी हैं जब भी हम किसी भी AI या डाटा साइंस का प्रैक्टिकली काम करना चाहते हैं। पाइथन हमारा ट्रांसलेटर होगा, पाइचाम हमारा वो IDE होगा जिसके अंदर हम कोड करेंगे, उसको सेव करेंगे, कोड को एडिट करेंगे और डीबग करेंगे, और एनाकोंडा हमारा एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन है जिसको हम आगे जाके यूज़ करेंगे जब हम वर्चुअल इन्वायरमेंट्स बनाएंगे। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसके इंस्टॉलेशन को देखते हैं। तो सबसे पहले आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है। तो पाइथन को इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली इस पर डबल क्लिक करेंगे। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर इंस्टॉल नाउ का एक ऑप्शन आएगा। मेरे पास चूंकि ये पहले से इंस्टॉल है इसलिए मुझे कह रहा है कि आप इसे अपग्रेड करना चाहें तो अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपके पास इंस्टॉल नहीं है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा वो इंस्टॉल नाउ का आएगा। ठीक है, तो मैं इसके लिए क्या करता हूँ कि मेरे पास जो प्रीवियस एक पाइथन है जो मेरे पास पहले से इंस्टॉल हुआ हुआ है, इस इंस्टॉलेशन वाले पाइथन को मैं अनइंस्टॉल करता हूँ और आपके सामने इस पाइथन को इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल है लेकिन दोबारा से इंस्टॉल मैं इसलिए करके दिखाऊंगा क्योंकि एक से दो चीज़ें ऐसी हैं जो कि इसमें इंपॉर्टेंट है और उनका आपको लाजमी ख्याल रखना पड़ेगा जब आप इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर आप उनका ख्याल नहीं रखते तो ये कहीं ना कहीं आपको उस चीज़ के ऊपर एरर दे सकता है या आपके कुछ इश्यूज इसमें आ सकते हैं।
तो मेरे पास यहाँ पाइथन 3.12.11 है, तो मैं इसको सिंपली यहाँ से क्लिक करके अनइंस्टॉल कर देता हूँ। एंड देन फिर पाइथन 3.12.4 जो मैंने अभी लेटेस्ट वर्जन आपके सामने डाउनलोड किया उसको मैं यहाँ पर इंस्टॉल करूँगा। तो अभी ये थोड़ा सा मुझे टाइम लेगा और उसके बाद ये मेरा पाइथन 3.12 जो कि पहले से इंस्टॉल था ये अनइंस्टॉल हो जाएगा जी। तो ये मेरे पास मेरा जो ओल्ड वाला पाइथन था वो मेरे पास अनइंस्टॉल हो गया। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले वही सॉफ्टवेयर्स जहाँ जो मैंने अभी इंस्टॉल किए थे डाउनलोड किए थे उनको मैं इंस्टॉल करने के लिए इस पर डबल क्लिक करता हूँ। तो जैसे ही मैं पाइथन के ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे पास फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है इंस्टॉल नाउ का। इस पर क्लिक करने से पहले एक चीज़ है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने चेक करना है, दैट इज़ एड पाइथन ext टू पाथ। इससे क्या होगा कि आपका जो पाइथन का इंटरप्रेटर है उसका ऑटोमेटिकली पाथ सिस्टम वेरिएबल में सेट हो जाएगा। तो इसको आपने चेक करना नहीं भूलना, इसको लाजमी आपने टिक करना है। और इसको टिक करने के बाद फिर आपने इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इंस्टॉल नाउ के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे या आपसे पूछेगा आप उसे यस कर दें, और यस पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये इजीली सेटअप ऑटोमेटिकली इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये टाइम लेगा इंस्टॉल होने में, बट इट विल नॉट रिक्वायर हाई अमाउंट ऑफ टाइम क्योंकि ये छोटा सा सेटअप है तो बहुत जल्दी से इंस्टॉल हो जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम अपने ट्रांसलेटर को जो कि हमारा पाइथन का इंटरप्रेटर है उसको हम इंस्टॉल करते हैं ताकि हम जब कोई प्रोग्राम लिखें तो वो प्रोग्राम ईजिली कंप्यूटर की लैंग्वेज में ट्रांसलेट हो सके और वो ट्रांसलेटर हमारे इस रोल को परफॉर्म कर रहा होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये इंस्टॉलेशन इसकी स्टार्ट हो चुकी है और अभी थोड़ी देर में ये कुछ अपनी स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज को रेडी करके इसके इंस्टॉलेशन को कंप्लीट कर देगा जी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पर एक मैसेज आ गया सेटअप वाज सक्सेसफुल। तो आप सिंपली क्या करेंगे इसको क्लोज कर देंगे तो ये आपका सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। अब उसके बाद हमने दूसरी चीज़ इंस्टॉल करनी है दैट इज़ पाइचाम कम्युनिटी। तो इसको इंस्टॉल करना भी बहुत आसान है, इसको मैं सिंपली डबल क्लिक करूँगा और जैसे ही मैं इसको डबल क्लिक करूँगा डबल क्लिक करने के बाद मेरे पास डिफरेंट ऑप्शंस आएंगी, उन ऑप्शंस को मैंने नेक्स्ट 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 करते जाना है और इसका पाथ सेट करना है एंड देन ये ऑटोमेटिकली एक सिंपल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा।